हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुमी जाखल। रुमी जाखल और एक नतुन भिडिओले मैं रुमी आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागत जानाइछो। आजि लै आहिछो बटर स्कॉच रेसिपी तो होयतो बहुते जाने किन्तु जि हकल आजिलेके ट्राई करा नाय निश्चय बा ट्राई करबो, कारण एकेबारे इजी बनाबोले आरो खाबोले बिराट टेस्टी होय। तेंते बोलो भिडिओटो स्टार्ट करिलो। प्रथमे मैं गेसत एखन पेन उठाई लम आरु पेन खनत मैं दिम 1/3 कप चेनी। आपनलके जिमान तो बनाय हेतु जुखते दिबो। मैं 1/3 कप दिसु आरु याते 2 टेबल चामच पानी दि दिसु आरु एतिया मीडियम फ्लेमते चेनीखिनि केरामेलाइज हुआलेके एखिनि एनेकै लराय थाकिम। एखिनि कमेओ 5 मिनिट मान समय लागिबो केरामेलाइज हबो कारणे। आरु देखिसे अकमानके रंगा पुरि आहिछे, चेनीखिनि गलि गल आरु एया केरामेलाइज होय गल। इतना इते मैं 1 चामच बटार दी दिसु। बहुते याते बादामो दिए दिबो पारे आपनालोके, मैं दिया नाय कारण टुकटुके बेया पाए एनेकै हेतु कारणे। आरु इतिया एखन थालित मैं स्टीलर थाली लैछु, ताते मैं बटार हानि थैछिलु आरु इतिया केरामेलाइज करा चेनीखिनि ताते दि दिम आरु एखिनि एकेबारे ठंडा हुआलेके राखि दिम जाते एखिनि धुनियाके सेट हो जाय। आरु एफाले एटा लैछु बाउल आरु मैं आजि यूज करिछु डिलाइटर नन डायरी जेतु व्हिप क्रीम हेतु हेतुरे आइसक्रीम बनाम। आपनालोके जिकुनु क्रीमे लब पारे, जिकुनु ब्रेन्डरे लब पारे। क्रीम खिनि मैं फ्रीजार रखिसिलु आरु 6 घंटा मानो आगते फ्रीजत उलियाय थैसिलु फ्रीजले। आरु एटा धुनिया क्रीमी कन्सिस्टेन्सी होय आसे। आरु एटिया प्रथमे मैं लैछु इलेक्ट्रिक ब्लेंडार। आरु ब्लेंडारर प्रथमे 1 नम्बर जितु स्पीड थाके हेतु स्पीडत मैं 5 मिनिट मान ब्लेंड करिलम। तार पिछत 3 नम्बर स्पीडले निम आरु तेनेकै जितियालके क्रीमखिनि फ्लाफी होय तेतिया लैके मैं एखिनि ब्लेंड करि थाकिम। आपनालोके इच्छा करिले हेन्ड ब्लेंडारो यूज करिब पारे। एखिनि कमेओ 10-15 मिनिट मान लागिले मोर करिब कारणे। एया क्रीमखिनि ब्लेंड करा मोर होय गल। क्रीमखिनि देखिसे आपनालोके आगतके डबल होय गल आरु अल फ्लाफी होय गयसे। इमानतु कन्सिस्टेन्सीते राखिसु मय। आरु एतिया एटा एयर टाइट कन्टेनरत प्रथमे क्रीमखिनि भराय लैछु आरु एतिया 2 घंटा मानर कारणे कन्टेनरतु मय फ्रीजारत राखि दिम। आरु इमानतु समय लके आमार केरामेलाइज करि थुवा चेनीखिनि धुनियाके सेट होय गयसे। इतना एखिनि भांगि लब लागिब। आसलते बटार स्कॉचत एई चेनीखिनि एकेबारे गुड़िके भांगि दिया हय। मय किन्तु अकमान डाठके राखिलु किन्तु बिसे गुड़िके करिले बेसि भाल हय। पिछत मय एटु सेट करि दिलु बारु गुड़ि करि। आपनालोके गुड़ि करि लब। मय आसलते नतुनके किबा एटा करि जाम बुलि भाबि एतेनका करिसिलु। एतिया क्रीमखिनि देखिसे सेमी सेट होय गयसे। एतिया भालदरे मय आको एबार ब्लेंड करि दिम एखिनि 1 मिनिट मान समय। आरु आपनालोके चामुच बा फक दि एटु मिलाइ दिब पारे, कोनो कथा नाय। ब्लेंडार दि कोइब लागिब बुले कोनो कथा नाय, चामुचे दिउ मिलाइ दिब पारे। आरु एतिया जिखिनि से केरामेलाइज करि थुवा चेनी आसिले तार परा जुखर मते यात दि दिम। आरु दि पेलाय भालदरे गुटेखिनि मिलाइ दिम। आको एबार कइछु केरामेलाइजखिनि किन्तु एकेबार गुड़ि कइ लब, तेतिया बेसि टेस्टी हय। आरु एतिया भालदरे गुटेखिनिके मिक्स करि भालदरे सेट करि ललु। आरु एतिया ऊपर एखन मैं पलिथिन दी दिलु। दी पे 6 घंटार कारण फ्रीजार रखिशिलु। आरु 6 घंटार पाछत एया मैं खुलिबले लैछु। आरु साउक इमान धुनिया होइसे, खाबोले किन्तु बिराट टेस्टी होइसे। हिसाके खाली टेक्सचार अकमान बेया होल कारण केरामेलाइजखिनि गुटा गुटा होइ थाकिले हेतु कारणे। हेकाने कइछु आपनालोके एकेबारे मिहि करि दिब, तेतिया बेसि भाल हबो। क्रीमर टेक्सचार तो बहुत धुनिया होइसे और खाबले बहुत टेस्टी होइसे हसाकय। और जे हकले एतिया लैके एतु ट्राई करा नाय निश्चय बा ट्राई करि साबो। एया साउ रेडी होय गल बटर स्कॉच, एके बारे इजी बनाबले। गतिके निश्चय बा ट्राई करक आरो केनेकवा होल मुख जानाबले ना पाहरिबो। जदि अलपो भाल लागिसे रेसिपिटो तेंते एटा लाइक करि दिबो आरो प्लीज 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 कमेन्ट करि जानाबो आपनालोके केनेकवा पाले। भिडिओटो हेकर लैके जाय थकार बाबे बहुत बहुत धन्यवाद। आरु जदि मोर चेनेल तो एतियालैके आपनालोके सब्सक्राइब करा नाय तेंते प्लीज सब्सक्राइब करि दिबो। आरु नतुन भिडिओ लै आको आहिम। आजिलै आहिछो तेंते नमस्कार।